हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैक टेस्टिंग करेंगे निफ्टी को लेके। पूरे वीक में जितने भी ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिले, निफ्टी के कॉल साइड और निफ्टी के पुट साइड, ये सारे ट्रेड्स को यहाँ पे मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो टोटल कितने कॉल्स आपको प्रॉफिटेबल यहाँ पे देखने को मिले और कितने कॉल्स में आपको लॉस हुआ है, ये सारी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और इसके साथ आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्ट्रैटेजी की एग्जैक्ट एक्यूरेसी कितनी है, और जो हम कोट करते हैं उसका प्रूफ मैं आपको पूरा यहाँ पे आज के वीडियो में देने जा रहा हूँ। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि सारे कॉज आपके समझ आए और एग्जैक्ट एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर की कितनी निकल के आ रही है सामने, ये आपको पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। जो भी व्यूवर्स आज का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताना चाहूँगा जिसके बेसिस पे आपको ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल है कि आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस है जिसका भी प्रीमियम 100 के बिलो रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। मतलब जब भी कॉल आता है तो ये कॉल का जो प्रीमियम होगा वो 100 रुपीज़ के नीचे होना चाहिए। ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को लेके। ठीक है, उसके बाद किस टाइप के कॉल्स में आपको ट्रेड करना है, तो कॉल्स ऐसे होनी चाहिए जो कंफर्म परफेक्ट रहे। अब कंफर्म परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो जो व्यूवर्स आज का फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सिग्नल आते हैं, जब भी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो देखने को मिलता है आपको एंड ऑफ द कैंडल ट्रेड करना होता है। कैंडल क्लोजिंग पे कुछ पैरामीटर्स आपको देखने हैं, जैसे कि पहला पैरामीटर वॉल्यूम आपको देखना है, वो वॉल्यूम वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जब भी कॉल कंफर्म होता है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर आपको बायर और सेलर का परसेंटेज देखना है, तो बायर का परसेंटेज सेलर से ज़्यादा होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। थर्ड पैरामीटर आपको कैंडल का कलर चेक करना है, ये ग्रीन होना चाहिए। और लास्ट पैरामीटर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेक करना है, ये कैंडल के नीचे चाहिए। तो इतने ही कन्फर्मेशन को आपको देखना है। अगर कोई भी कॉल आपको ऐसा मिलता है जहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मौजूद है तो वो कॉल कन्फर्म परफेक्ट माना जाता है और वो कॉल में आपको ट्रेड करना है। तो इसी तरह के कॉल्स की एक्यूरेसी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 6th of September का चार्ट लगा के रखा है, तो 6th of September को जो कॉल बने उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया, ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्राइक प्राइस वो होना चाहिए जो प्रीमियम 100 के नीचे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 के नीचे फर्स्ट प्रीमियम जो था वो था 24,950 का पुट। ये है 6 सितंबर का चार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल जनरेट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो 86 को ये एंट्री आपको करवाई और आपको तीनों टारगेट मिले। तो ये पहला कॉल था जो कन्फर्म परफेक्ट था जिसमें आपको टारगेट मिले। अब सेकेंड कॉल चेक कर सकते हो, ये कॉल 200 के रेट से आपको यहाँ पे एंट्री मिला था और यहाँ पे टारगेट नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप क्राइटेरिया मैच करें तो जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था कि स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए 100 के बिलो, तो यहाँ पे 200 का प्रीमियम है तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन इस वक्त जो स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना चाहिए था वो था 24,700 का पुट, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रीमियम तब था 93 का, इजीली परफेक्टली यहाँ पे टारगेट हुआ, उसके बाद नीचे आया मार्केट। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉल बना 6th of September का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे कॉल एनालाइज करने के लिए एक एक्सेल बनाई, तो हम एंड ऑफ द डे यहाँ पे पूरे कॉल का एनालिसिस करेंगे कि कितने कॉल्स आपको टोटल मिले और ओवरऑल एक्यूरेसी उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये था सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल देख सकते हो आपने फर्स्ट टारगेट दिया, उसके बाद नीचे आया मार्केट। उसके बाद थर्ड कॉल जनरेट हुआ सेम डे में, आप यहाँ पे टाइम भी चेक कर सकते हो, 12:50 को, और 6th of September का ये कॉल था। थर्ड कॉल मिला, इसने भी आपको तीनों टारगेट दिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कॉल चेक करते हैं, तो फोर्थ कॉल भी जनरेट हुआ था 2:20 को, इसने भी आपको दो टारगेट दिए। तो टोटल आप देख सकते हो पुट साइड में आपको चार कॉल मिले और चारों ने आपको टारगेट्स दिए। अब अगर हम कॉल साइड का व्यू चेक करें तो कॉल साइड का यहाँ पे आप देख सकते हो फेवरेबल प्रीमियम 24,900 का कॉल था, और मॉर्निंग से लेके क्लोजिंग तक का मार्केट आप चेक करें तो कोई भी कंफर्म कॉल नहीं था। आप अगर ये भी कॉल चेक करें तो ये फेक कॉल माना जाएगा। क्यों फेक कॉल माना जाएगा, क्योंकि नीचे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ग्रे है। ठीक है, ये फेक कॉल माने जाते हैं और ऐसे फोर्सफुली आपको ट्रेड करने नहीं है, हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि ऐसे कॉल्स में आप ट्रेड करो। ठीक है, तो इस कॉल को हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल एंड ऑफ द डे 6th of September का जो रिजल्ट रहा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टोटल कॉल्स आपको मिले जो परफेक्ट थे वो चार थे और चारों ने आपको टारगेट्स दिए, फेल सिग्नल कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे हम जीरो इनपुट करेंगे। ठीक है,
तो टोटल आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन 4 कॉल मिले और फेल उसमें से कोई भी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का मार्केट चेक करते हैं, जो कि था मंडे का। तो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है 9th of September मंडे का चार्ट। आप देख सकते हो जो स्ट्राइक प्राइस फेवरेबल था 24,950 का कॉल, और यहाँ पे टोटल आप चेक करें तो एक फेक कॉल जनरेट हुआ था मॉर्निंग सेशन में, कॉल साइड का व्यू हम देख रहे हैं। उसके बाद एक कंफर्म परफेक्ट कॉल जनरेट हुआ, अगेन ये आया था 1:25 को, और परफेक्ट लिस्ट ने आपको दो टारगेट दिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कॉल आया, सेकेंड कॉल भी आप देख सकते हो मार्केट क्लोजिंग के अराउंड था, इसने भी आपको टारगेट दिए। तो ये था कॉल साइड का व्यू। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में फेवरेबल प्रीमियम जो था 24,750 का पुट, यहाँ पे 9th of September का मार्केट देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेक कॉल आया, आपको टारगेट नहीं मिला इसमें। अगेन दूसरा कॉल आया, ये चेक कर सकते हो, ये भी एक फेक माना जाएगा, क्योंकि अगर पैरामीटर्स में आप यहाँ पे बायस का परसेंटेज चेक करें तो 41% है। तो 41% के वक्त आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे कॉल्स में आपको टारगेट्स कम देखने को मिलते हैं। सो हम आपको रिकमेंड ऐसे कॉल में करेंगे नहीं कि आप ट्रेड करो, तो ये फेक कॉल माना जाएगा, फेक कॉल हमें यहाँ पे छोड़ के चलना है, ठीक है। उसके बाद अगेन एक आपको कॉल जनरेट हुआ सेम 9th of September, और ये भी एक फेक माना जाएगा, क्योंकि नीचे वॉल्यूम आप चेक करें तो ग्रे है। तो फेक कॉल सारे आपको पुट साइड देखने को मिले, और कॉल साइड में आप देखें तो आपको दो कॉल मिले। तो टोटल काउंट आप अगर करें तो मंडे के दिन आपको दो परफेक्ट कॉल मिले, जो कि थे कॉल साइड में, और दोनों ने आपको टारगेट दिए। और यहाँ पे कोई भी कंफर्म परफेक्ट कॉल जो था वो फेल नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं ज़ीरो इनपुट करूँगा। तो आप देख सकते हो दो दिन के बेस का रिजल्ट आप यहाँ पे चेक करें तो 6 कॉल मिले और सारे आपको टारगेट्स दे गए, ठीक है। अब यहाँ पे 9th के बाद हम 10th of September का मार्केट चेक करते हैं। सो 10th of September के दिन जो फेवरेबल प्रीमियम यहाँ पे होना चाहिए, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो सेम प्रीमियम 24,950 का कॉल, और यहाँ पे परफेक्ट आपको कॉल मिला जो था 98.25 ऐसे, और यहाँ पे आपको तीनों टारगेट मिले। तो ये एक कॉल जनरेट हुआ था, जो कि आया था, आप चेक करें टाइमिंग, 11:15 को, और उसके बाद कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं था, ठीक है। तो ये था कॉल साइड का व्यू। सो पुट साइड का अगर आप मार्केट चेक करें तो 10th of September के दिन पुट साइड का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हो फर्स्ट कॉल फेक कॉल जनरेट हुआ था, इसको हमने काउंट नहीं करना है, ये फेक कॉल माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एक कंफर्म परफेक्ट कॉल मिला, यह आया था 2:45 को, और ये भी था 10th of September का कॉल, तो परफेक्ट ही कॉल था, और इसने आपको टारगेट दिए। आप देख सकते हो तीन टारगेट दिए, उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो ओवरऑल 10th of September का आप अगर मार्केट देखें तो कॉल साइड और पुट साइड को मिला है, तो आपको टोटल दो कॉल मिले, ठीक है, जो कंफर्म परफेक्ट थे और दोनों ने आपको टारगेट दिए। सो यहाँ पे अगेन 10th of September का मार्केट का डिटेल्स हम एंटर करेंगे, जो कि है दो कॉल जिसमें से एक भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो देख सकते हो परफेक्ट कॉल का काउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल तीन दिन के बेस का मार्केट आप अगर देखें तो टोटल 8 कॉल मिले, 8 में से एक भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था 10th of September का मार्केट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 11th of September, मतलब कल का मार्केट। आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 12th of September, आप यहाँ से चेक कर सकते हो आज का डेट। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश करने के बाद 12th of September को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आज का भी मार्केट हम लास्ट में चेक करेंगे, लेकिन हम अभी कल का मार्केट का भी व्यू देख लेते हैं कि कल के मार्केट में क्या रहा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कल का हम स्टार्ट करते, तो जो फेवरेबल प्रीमियम था आप देख सकते हो कॉल साइड में, वो था 25,000 का कॉल, यहाँ पे फेक कॉल आया, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, अगेन फेक कॉल जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। तो कॉल साइड में आप देख सकते हो कॉल साइड में कोई भी कंफर्म परफेक्ट कॉल नहीं था, तो कॉल साइड में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में आप देख सकते हो आपको एक कॉल मिला जो मॉर्निंग में आया था 9:20 को, परफेक्ट कॉल था और आपको टारगेट दे गया, ठीक है। 53% बायर्स थे, वॉल्यूम भी यहाँ पे ग्रीन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉल जनरेट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो 84.10 के रेट से, लेकिन यहाँ पे आपको टारगेट नहीं मिला। तो ये कॉल आप काउंट कर सकते हो जो कंफर्म परफेक्ट था, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देखना पड़ा, ठीक है। तो एक कॉल आपका फेल हुआ, और यहाँ पे मॉर्निंग का कॉल जो था वो आपको टारगेट दे गया। और उसके बाद का मार्केट आप अगर चेक करें तो अगेन एक आपको कंफर्म परफेक्ट कॉल मिला, यहाँ पे जो फेवरेबल प्रीमियम आपका होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन चेन आपको इजीली फिल्टर आउट करने में हेल्प करेगी कि कौन सा फेवरेबल प्रीमियम होना चाहिए था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रीमियम में जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 55.70 का, तो इस वक्त जो फेवरेबल प्रीमियम आपका होना चाहिए था वो होना चाहिए था 25,050 का पुट, तो इसको हम वॉच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 25,050 का पुट लगाया, तो ये फेवरेबल प्रीमियम था जिसमें आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 79.55 से आपको एंट्री मिली थी, कंफर्म परफेक्ट ही कॉल था जिसने आपको टारगेट दिए। सो ओवरऑल पूरे दिन की आप अगर बात करें तो कल के मार्केट में आपको टोटल 3 कॉल मिले, तीनों कंफर्म परफेक्ट थे जिसमें से एक कॉल आपका फेल हुआ। ठीक है, सो कल के मार्केट का काउंट आप अगर यहाँ पे टैली करें तो आप देख सकते हो 2 कॉल आपको टारगेट दे गए और एक कॉल आपका फेल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप अगर पूरे कॉल्स की बात करें तो 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, टोटल 11 कॉल में से आपका एक कॉल फेल हुआ। ठीक है, सो ये था पूरा कल का मार्केट, और आज का मार्केट भी चेक करते हैं। तो आज के मार्केट में फेवरेबल प्रीमियम आप देख सकते हो मॉर्निंग का जो ट्रेड बना था वो 24,950 के कॉल में बना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म परफेक्ट कॉल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम आपके फेवर में था लेकिन जो बायर्स थे ये 19% थे, तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, ऐसे कॉल फेक माने जाते हैं और फेक कॉल में हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेड करो। ठीक है, तो ये कॉल हम काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ अभी लाइव मार्केट चल रहा है, अब तक कोई कॉल जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था कॉल साइड का व्यू आज का, आज है 12th of September, न्यू पीरियड। अब यहाँ पे पुट साइड का व्यू भी चेक करते हैं, तो पुट साइड में आप देख सकते हो आपको एक ही कॉल मिला था जो कि फेक कॉल था, फेक कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आप आज के दिन का भी मार्केट चेक करें तो जो मॉर्निंग का सेशन था यहाँ पे, मॉर्निंग का आप 3 मिनट के बेस पे भी ट्रेड करते तो आपको कन्फर्म परफेक्ट कॉल मिलता। तो ये बस एक क्राइटेरिया होता है जो मॉर्निंग ट्रेड में प्रेफर करना होता है, मॉर्निंग का जो समय होता है 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में, आप अगर 3 मिनट के बेस पे भी ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैसे ओपन होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो 3 मिनट के बेस पे आपको कंफर्म परफेक्ट कॉल मिला था जहाँ पे 66% बायर्स थे और यहाँ पे आपको टारगेट भी मिले, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा एनालिसिस 5 मिनट के बेस पे कर रहे हैं। तो 5 मिनट के बेस पे आज के पूरे मार्केट में अब तक कोई कॉल आपको मिला नहीं, तो यहाँ पे हम दोनों फील्ड में 0-0 काउंट करेंगे। तो टोटल आप देख सकते हो आपको 11 कॉल मिले और 11 कॉल में से 10 कॉल आपके परफेक्ट रहे और एक कॉल आपका फेल हुआ है। तो ये था पूरा एनालिसिस जहाँ पे मैंने आपको लास्ट फ्राइडे से आज तक का पूरा व्यू दिया है, क्योंकि जो निफ्टी की एक्सपायरी है या फिर और इंडेक्स की एक्सपायरी है ये वीकली बेसिस पे होती है जो कि है 7 डेज, और 7 डेज में जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं उसका मैंने आपको पूरा कैंडल बाय कैंडल, सिग्नल बाय सिग्नल एनालिसिस यहाँ पे करवाया। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। इसके अलावा भी आप हमारे चैनल पे जाके पूरे वीडियो चेक कर सकते हो, डेली के वीडियोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो भी कॉल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको उसमें से कई कॉल आपको यहाँ पे लाइव में मैंने रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिए, उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा पर डे का एनालिसिस भी मैंने आपको करवा के दिया है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा स्ट्रैटेजी है जो आपको 90% एंड अबो की एक्यूरेसी देता है। अब ये जो एक्यूरेसी है उसका प्रूफ मैंने आज के पूरे वीडियो में आपको दिया है, जो कि है टोटल कॉल्स कितने आपको मिले आज तक लास्ट फ्राइडे से, और फेल उसमें से कितने हुए उसका भी मैंने यहाँ पे आपको व्यू दिया है। सो ये था पूरा 7 दिन का एनालिसिस जो मैंने आपको यहाँ पे आज के वीडियो में बताया। निफ्टी कॉल साइड और निफ्टी के पुट साइड में पूरा व्यू आपको यहाँ पे करवा के दिया है पिछले 7 दिन का। इसी तरह का और एक वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का व्यू दिया है 7 दिन का, जहाँ पे टोटल 8 कॉल आपको मिले और ये 8 कॉल्स में आपको क्या रिजल्ट मिला है, तो ये भी आप ये वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी मूवमेंट आपको कॉल साइड में देखने को मिली। आज के दिन का ये फर्स्ट कॉल जनरेट हुआ जो कंफर्म परफेक्ट था जिसमें आपको टारगेट भी मिले। तो यहाँ पे हमारा काउंट चेंज होगा जहाँ पे हमने आज के दिन में कोई भी सिग्नल एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे एक सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, मतलब टोटल आपके जो परफेक्ट कॉल हुए वो 11 रहे और एक कॉल जो था वो आपका फेल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिली जहाँ पे आपको तीनों टारगेट मिले। सो इस तरह से ये हमारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आप अगर इस स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो लेना चाहते हो या फिर ये स्ट्रैटेजी को और डिटेल में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ जाके भी आप रजिस्टर करें ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा और ये स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो प्रोवाइड करवा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।